हरियाणा की राजनीति का मिजाज बड़ा ही अनूठा एवं दिलचस्प है। अभी हरियाणा में लोकसभा और विधानसभा चुनाव को काफी समय शेष है, इसके बावजूद हरियाणा चुनावी चाशनी में डूबा हुआ है। तमाम राजनीतिक दलों की ओर से सियासी गतिविधियों का सिलसिला जारी है। खास बात यह है कि अब रैलियों और पदयात्राओं के जरिए नेता मतदाता की नब्ज कटोलने निकलेंगे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा दो चरण में हरियाणा में पहुंची। इस दौरान राहुल गांधी 255 किलोमीटर पैदल चले और उन्होंने हरियाणा के 7 जिलों को कवर किया। वहीं 20 फरवरी से इनेलो महासचिव एवं एलनाबाद के विधायक अभय सिंह चौटाला भी पदयात्रा शुरू करने जा रहे हैं। उनकी यह पदयात्रा लगभग 7 महीने तक जारी रहेगी। इसी बीच महम से आजाद विधायक बलराज कुंडू ने भी पदयात्रा निकालने का ऐलान कर दिया है। कुंडू 26 जनवरी से महेंद्रगढ़ के नांगल चौधरी से पदयात्रा निकालेंगे। वैसे भी हरियाणा में पदयात्राओं के चलते सियासी फिजा बदलती रही है। पदयात्राओं का एक लंबा इतिहास रहा है। ताऊ देवीलाल ने अपने जीवन में अनेक बार पदयात्रा निकाली। 1973 में किसानों के हक में आंदोलन चलाने के चलते चौधरी देवीलाल को जेल हो गई थी। 4 अक्टूबर 1973 को देवीलाल जेल से रिहा हुए और किसान संघर्ष समिति बनाते हुए पूरे प्रदेश में किसान आंदोलन चलाया था। इसी तरह से चौधरी देवीलाल ने चंद्रशेखर के साथ मिलकर मार्च 1983 से लेकर जून 1983 तक भारत पदयात्रा निकाली थी। इस पदयात्रा के बाद ताऊ देवीलाल एक लोकप्रिय नेता के रूप में उभर कर सामने आए थे। इसके बाद चौधरी देवीलाल ने 1985 में राजीव लोंगेवाल समझौता के विरुद्ध विधायक पद से इस्तीफा दिया और 1986 में न्याय युद्ध चलाया। इसी कड़ी में 23 मार्च 1986 को जींद में हरियाणा समस्त सम्मेलन के नाम से एक बड़ी रैली का आयोजन किया था। इस दौरान न्याय युद्ध चलाते हुए ताऊ ने देश प्रदेश भर में रास्ता रोको अभियान चलाया। इसके बाद 1987 में चौधरी देवीलाल के नेतृत्व में इनेलो भाजपा सहित अन्य दलों को 85 सीटों पर जीत मिली। इसी प्रकार से साल 2002 में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जींद जिला के कंडेला गांव से एक पदयात्रा शुरू की थी। इस पद यात्रा के दौरान भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किसानों के मुद्दे और बिजली के बिलों को लेकर एक आंदोलन चलाया। इसके बाद 2005 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के मुख्यमंत्री बनने में सफल हुए। 2008 में डॉ अजय सिंह चौटाला ने एक पदयात्रा निकाली और वह इस दौरान लगभग 670 किलोमीटर पैदल चले थे। अब अभय सिंह चौटाला भी अपने दादा चौधरी देवीलाल की राह पर चल रहे हैं। यहां बता दे कि खुद ओम प्रकाश चौटाला भी खुद अनेक बार प्रदेश में रथयात्रा निकाल चुके हैं। अभय सिंह चौटाला 20 फरवरी से अपनी पदयात्रा शुरू करेंगे। उनकी यह पदयात्रा दक्षिण हरियाणा से शुरू होगी और लगभग 7 माह में 22 जिलों को कवर करते हुए सभी विधानसभा क्षेत्रों में पहुंचेंगे। उनकी यह यात्रा 25 सितंबर को चौधरी देवीलाल के जन्मदिवस पर यह यात्रा संपन्न होगी। इसी तरह से अब महम से आजाद विधायक बलराज कुंडू ने भी 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर एक पदयात्रा निकालने का ऐलान किया है। यह यात्रा महेंद्रगढ़ के नांगल चौधरी से शुरू होगी और चंडीगढ़ में समाप्त होगी। जाहिर है कि हरियाणा में 2024 के विधानसभा चुनाव से पहले लगातार सियासी गर्माहट देखने को मिल रही है। इसी कड़ी में जहां नेता पदयात्राओं के जरिए मतदाताओं की नब्ज टटोलने निकलेंगे, वहीं आने वाले समय में रैलियों की रेलमपेल भी नजर आने वाली है। राहुल गांधी की रैली के बाद 29 जनवरी को भारतीय जनता पार्टी सोनीपत के गोहाना में एक रैली करने जा रही है। इस रैली के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी अपनी जनसंवाद रैलियों का सिलसिला शुरू करेंगे। ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले समय में आम आदमी पार्टी की ओर से भी एक बड़ी रैली हरियाणा में की जा सकती है। वहीं 25 मार्च को शहीदी दिवस के अवसर पर पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह भी एक रैली करने जा रहे हैं।